तो वहीं चार धाम यात्रा के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की भीड़ प्रशासन के लिए लगातार चुनौती बन रही है। भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वीआईपी दर्शन पर रोक को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। पहले यह रोक 25 मई तक लगाई गई थी। इसके अलावा प्रशासन ने मोबाइल ले जाने को लेकर भी नई एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि श्रद्धालु अब चारों धामों के मंदिर परिसर के 200 मीटर की परिधि में मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा पंजीकरण के बगैर कोई भी श्रद्धालु यात्रा नहीं कर सकेगा। बता दें कि बीते दिन में उत्तराखंड सरकार 5 बड़ी बैठकें कर चुकी है, लेकिन यमुनोत्री और गंगोत्री रूट पर लंबे लंबे ट्रैफिक जाम का समाधान नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इतनी राहत जरूर है कि 2 दिन पहले ट्रैफिक में जो समय 20 से 25 लग रहा था वो अब घट गया है।